कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब ठीक तो है ना? बच्चों, आज मैं आपके लिए एक शरारती बंदर की कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, ये कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे शरारती बच्चे भी होंगे जो बेवजह दूसरे बच्चों को परेशान करते होंगे। बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बच्चे ऐसा करते हैं, जानते हैं उनके साथ क्या होता है? उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि इस कहानी में शरारती बंदर के साथ होगा। तो चलो, अब मैं आपको शरारती बंदर की कहानी सुनाती हूँ, जरा ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, ढोलकपुर गांव के पास बसे जंगल में जग्गू नाम का एक शरारती बंदर रहता था। वो कभी एक पेड़ पर तो कभी दूसरे पेड़ पर कूदता उछलता रहता। जंगल के सभी जानवर जग्गू बंदर की शरारतों से बहुत परेशान थे। एक बार जग्गू बंदर गर्मी के मौसम में जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते शरारती जग्गू की नजर जंगल में लगे कुछ आम के पेड़ों पर पड़ी। गर्मी का मौसम होने की वजह से पेड़ों पर खूब ढेर सारे आम लगे हुए थे। आम के पेड़ों को देखते ही जग्गू बंदर के मन में शरारत सूझी। जग्गू आराम से पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और आम खाने लगा। जैसे ही बंदर के हाथ में आम की गुठली बचती, वो पेड़ के ऊपर बैठकर नीचे से गुजरने वाले जानवरों पर वो गुठली फेंकता। बंदर सारे पेड़ों पर घूम घूम कर आमों का रस चूसता और खूब मजे लेता रहा। नीचे आने जाने वाले जानवरों पर वो ऊपर से बैठे बैठे आम फेंक कर मारता और खूब हंसता। जंगल के सभी जानवर जग्गू बंदर की इस हरकत से बहुत परेशान होकर उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन शरारती जग्गू बंदर कहाँ मानने वाला था। भालू, हिरण, जिराफ और खरगोश के समझाने के बाद भी अगले दिन जग्गू ने अपनी शरारत जारी रखी। अगले दिन जग्गू बंदर सेब के पेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था। उसी समय एक हाथी भी उधर से गुजरा। बंदर ने हाथी को देखा तो उसके दिमाग में फिर से एक शरारत सूझी। बंदर ने हाथी पर एक के बाद एक कई सेब तोड़कर मारे। सेब हाथी के कान पर लगा, आंख पर लगा और माथे पर भी। इससे हाथी को गुस्सा आ गया। हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाई और पेड़ पर बैठे बंदर को उसमें लपेट लिया। हाथी ने गुस्से में बंदर से कहा कि मैं आज तुझे मार डालूंगा, तू सबको परेशान करता है। बंदर बुरी तरह से घबरा गया। उसने फौरन हाथी के सामने अपने कान पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। बंदर हाथी से बोला, हाथी भैया, हाथी भैया, इस बार माफ कर दो, अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। बंदर के बार बार माफी मांगने और रोने पर हाथी को दया आ गई। उसने बंदर को छोड़ दिया। हाथी की सूंड से जिंदा छूटते ही जग्गू बंदर ने राहत की सांस ली। वरना बंदर को तो लग रहा था कि अगर हाथी ने कुछ देर और सूंड में बांध कर रखा तो उसकी तो जान ही निकल जाएगी। लेकिन माफी मांगने से हाथी मान गया। उसने बंदर को माफ कर दिया। अब हाथी जब भी वहां से गुजरता, बंदर उससे प्यार से पेश आता। कुछ दिनों में दोनों की पक्की दोस्ती हो गई। बंदर रोज अपने दोस्त हाथी को फल तोड़ तोड़ कर खिलाता और हाथी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल में घुमाता। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों को परेशान करेंगे, उनसे पंगे लेंगे, उन्हें दिक्कत में डालेंगे तो कई बार इसका अंजाम बुरा भी हो जाता है, जैसे हाथी ने बंदर के साथ किया। अगर हाथी बंदर को ना छोड़ता तो सोचो बंदर का क्या अंजाम होता। इसलिए आप ऐसा कभी ना करें। बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना। तो अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी लेकर। बाय बाय।